दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो स्कॉर्पियो एमओ के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो आओ ले चलता हूँ मैं आपको स्कॉर्पियो एमओ के पास। दोस्तों यहाँ इसमें कूलेंट दिया होता है, इसके अंदर कूलेंट होता है जो कि आपको बता देता हूँ मैं, इसके मैक्सिमम तक होता है। यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ तक होना चाहिए कूलेंट। और यहाँ पे अपने होता है इसके अंदर ब्रेक ऑयल। ये जो मैं ढक्कन खोल रहा हूँ ये ब्रेक ऑयल का होता है। इसमें इसमें ब्रेक ऑयल पूरा है। यहाँ आप ब्रेक ऑयल चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ होता है क्लच ऑयल, जो अपने क्लच दबाते हैं, हाइड्रोलिक यानी क्लच ऑयल होता है इसमें। तो दोस्तों इसमें खोल के आपको दिखा देता हूँ मैं। इसमें भी पूरा है दोस्तों। यहाँ आप क्लच का ऑयल चेक कर सकते हो। और यहाँ आपको ले चलता हूँ, इसमें इंजन ऑयल होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सेकंड कट दे रखा है, ये जो सेकंड कट दे रखा है, ये आप देख रहे हो सेकंड कट दे रखा है। यहाँ तक ऑयल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक ऑयल होना चाहिए। तो अभी आपको ले चलता हूँ पावर स्टीयरिंग ऑयल कहाँ होता है। इसके अंदर पावर स्टीयरिंग ऑयल होता है दोस्तों, इसके अंदर पावर स्टीयरिंग ऑयल होता है। यहाँ मैक्स तक होना चाहिए। ये जो हाथ दिख रहा है, मेरी आंगली दिख रही है, यहाँ तक होना चाहिए, मैक्स तक होना चाहिए। इधर बैटरी बक्स आ गया, यहाँ अपने एयर निकाल सकते हैं। यहाँ से ये डीजल फिल्टर है, यहाँ से एयर निकाल देंगे अपने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस एमओ के अंदर 6.5 लीटर ऑयल आता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ एयर फिल्टर दिया होता है, ये देख रहे होगे आप, इसमें एयर फिल्टर दिया होता है। मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं कार रिपेयरिंग के मामले में वीडियो बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेके। ओके।